अब हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने की क्यों रिक्वायरमेंट अपने को होती है। अपने को पता है एटम नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना एटम हमने लिया है, जितनी भी क्वांटिटी हमने रिएक्टेंट के लिए, उतनी ही क्वांटिटी, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपकी वो इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है। तो बैलेंसिंग हम यही कहते हैं कि अगर मान लो लेफ्ट में सोडियम के 5 एटम्स है तो प्रोडक्ट में भी 5 होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो वो बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन का अगर लेफ्ट में राइट हैंड साइड में 4 एटम्स प्रेजेंट है तो राइट में भी 4 होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में भी 4 होना चाहिए, बस यही बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं होता। अगर सोडियम ऑक्साइड है तो उसका सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका फॉर्मूला CO2 ही रहेगा। उसके आगे आप नंबर चेंज कर सकते हो, CO2 के आगे 2 मेंशन कर सकते हो, 2CO2 हो सकता है, 3CO2 हो सकता है, 2CO2 हो सकता है, 3CO2 हो सकता है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आप C या 2 कर दें या 4 कर दें, ये कभी नहीं होगा, ये अलाउड। आप बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं 2 आना है या 3 आना, बट कंपाउंड का फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं। तो ये बैलेंसिंग में अपने को यही ध्यान रखना है कि लेफ्ट में जितना एटम है उतना ही राइट में होना चाहिए। देखें इसमें कार्बन यहाँ कितना है, कुछ नहीं मेंशन है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर भी कितना है, 1 है, कार्बन यहाँ पर बैलेंस है। कंपाउंड को बैलेंस नहीं करना होता, यहाँ पर अपने को एलिमेंट को, एटम को बैलेंस करना होता है। यहाँ ऑप्शन कितना है, 2। अगर यहाँ 2 और होता तो कितना हो जाता, 4 हो जाता है। यहाँ एट प्रेजेंट 2 है, O2, 2 एटम्स, यहाँ कितना है, बैलेंस है। कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 2-2 है, तो ये बैलेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का लेफ्ट में कितना आप इजीली बता सकते हो, लेफ्ट में कितना है कैल्शियम का, दैट इज 1। यहाँ पर भी कितना है, 1। जब दोनों ही इक्वल है तो उसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, यहाँ कितना है, 1। अब मैं क्या करूंगा इसमें, अब मैं करूंगा 2 है, यहाँ तो मेंशन नहीं कर सकता कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो मैं इसके यहाँ पर यूज कर लूंगा, यहाँ पर मेंशन कर दूंगा 2। तो अब ऑक्सीजन यहाँ कितना है, पहले भी 2 था, अब भी 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन आपको कि कैल्शियम यहाँ कितना है, कैल्शियम यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, क्या मेंशन करूंगा, यहाँ पर 2 मेंशन। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आप जो कर रहे हैं वो हो सकता है रॉन्ग भी हो। तो कैल्शियम कितना है, अब देखते हैं, वापस चेक करते हैं फाइनली, कैल्शियम यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ पर भी कैल्शियम कितना है, 2 है। ये जो नंबर रहेगा ये सभी एटम्स के लिए रहेगा, यहाँ जो नंबर है ये पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ही रहेगा, पर्टिकुलर उसके लिए रहेगा। कैल्शियम यहाँ पर 2 आ गए दोनों तरफ, ऑक्सीजन कितना आ गया, दोनों तरफ 2। इसके बाद और एग्जाम्पल समझिए,